काचीन लिया
Bye.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया, गरीबों का मददगार मारा गया, यतीमों का सरपरस्त शहीद कर दिया गया, बेवाओं का सहारा दुनिया से रुखसत हो गया, मजलूम माँ का मजलूम बेटा कत्ल कर दिया गया। आजादारो, मजलूम माँ का मजलूम बेटा, कैसे मजलूमा माँ। दुनिया का दस्तूर है कि जब भी किसी के सर पर से अपना पाप का साया उठता है, लोग उसे ताजियत देने आते हैं, लोग उसे पुरसा देने आते हैं, लोग उसके गम में शरीक होते हैं। लेकिन ये कैसा फातिमा का घराना है, जब रसूल की आंख बंद हुई तो लोग दरवाजे डरे फातिमा पे आग और लकड़ियां लेके आए, और जब हुसैन दुनिया से गए, अरे खेमे जलाए गए, सकीना पे तमाचे मारे गए, चादरें छीन ली गई। अजरकुम अल्लाह सादारो, मजलूम माँ है, लेकिन क्या शरफ की मालकिन है ये शहजादी। ये शरफ है इस शहजादी का कि इस शहजादी के शरफ में इतना काफी है कि रसूल अपनी जगह छोड़ देते थे, जिस दरवाजे पे आके रसूल सलाम किया करते थे, मलाइका आने से पहले इजाजत दिया करते थे, इतनी शरफ वाली खातून है। वो वक्त आया कि जब रसूल का आखिरी वक्त शहजादी के घर पे तशरीफ फरमाते, आने वाले ने दब्बुल बाब किया है, शहजादी ने कहा रसूल आराम फरमा रहे हैं, बाद में आएगा। कुछ वक्त न गुजरी, आने वाले ने दब्बुल बाब किया, शहजादी ने वही जवाब। लेकिन जब तीसरी बार आने वाले ने दब्बुल बाब किया है, रसूल ने कहा ऐ शहजादी, ऐ फातिमा, इसे आने दो, ये तुम्हारे घर का शर्म है कि ये किसी के घर की इजाजत नहीं लेता, ये तेरी अजमत है कि तेरे घर में आने से पहले तेरी इजाजत लेते हैं। मैं रसूल अल्लाह को कहना चाहता, या रसूल अल्लाह, अरे मलाइका जिस दरवाजे के आने से पहले इजाजत लेते थे, ये कैसे मदीना के उम्मती थे, यहाँ रसूल की आंख बंद हुई, तेरे फातिमा में आग और लकड़ियां जमा की गई। अजरकुम अल्लाह सादारो, वो वक्त आया रसूल जब दुनिया से गुजरे, कुछ वक्त न मुद्दत कुछ न गुजरे, वो वक्त आया कि शहजादी इस दुनिया से चली गई। वो वक्त भी आया कायनात का अमीर भी दुनिया से रुखसत हुआ। वो वक्त भी आया कि जब हजरी से 50 नमूदार हुई, हसन मुजतबा को जहर दिया गया, लोगों ने आना शुरू किया, इमाम की हालत खराब होना शुरू हुई। वो वक्त आया कि जब बाय बाय की मुलाकात के लिए आए हैं, और जब कलेजे के टुकड़े तश्त में गिर रहे थे, भाई ने भाई से कहा बेटे भैया हुसैन, इस तश्त को हटा दो, अभी मेरी बहन ज़ैनब आएगी, मेरी हालत को बर्दाश्त न कर पाएगी। मैं कहूंगा मौला, ये कह रहे हैं कि ये हालत बर्दाश्त न कर पाएगी, अरे एक सेट हिजरी का करबला होगा, कभी अब्बास के पास को देखेंगे, कभी यही ज़ैनब और मोहम्मद के लाशों को, कभी अली अकबर के एरिया में करते हुए। अजरों को मल्ला इतना ही नहीं, यही बहन होगी जो 70 कदम के पास से पाई का कलम होता सर देख रही होगी। अजरों को मल्ला सादारो, वो वक्त आया कि जब इमाम ने इमाम भाई से वसीयत करना शुरू किया, ए भैया हुसैन, तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना, तुम मुझे खसूर्द लहद करना, अब मुझे अनादर हो सके तो नाना के पहलू में दफन कर देना। उम्मत का एक शिकवा हुआ करता था कि जब भी आपके घर से जनाजा उठता है, या तो हमें आप अपने जनाजे में शामिल नहीं होने देते, या तो रात की तारीखी में उठा देते जनाजा, हमें अपने जनाजों में नहीं शरीक होने।
माफिया ना आपकी शहादत मजलूमाना शहादत आपको जहर से कत्ल कर दिया गया। लेकिन मौला मैं इतना जरूर कहूंगा दुनिया से रुखसत हो गए, गुस्ल तो मिला आपको, कफन भी आपको पहनाया गया, सुपुर्द लहद भी हुआ, शान से जनाजा उठा। بر دشمنان اهل بیت